हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हेयर केयर के रिगार्डिंग है, एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आप सभी के, क्योंकि आजकल मानसून सीजन है। तो इस सीजन में बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, एंड आजकल तो मानसून सीजन क्या कोई भी सीजन हो, बालों का टूटना बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है और ये बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो मैंने सोचा कि जो होम रेमेडी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपने बालों का अभी तो मैंने जूड़ा बनाया हुआ है, लेकिन जिसकी वजह से मैंने अपने बालों को इतने लंबे टाइम से प्रोटेक्ट करके रखा है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। और बहुत ही इजी तरीके से आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना, बाहर से कुछ ऐसे स्पेशल या कोई अलग चीज़ खरीद कर नहीं लानी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको घर पर 5 से 10 मिनट निकाल कर ये होम रेमेडी तैयार करनी है, एंड बहुत ईजिली जो है आप अपने बालों का झड़ना 80% तक कम कर सकते हैं। और ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से कर रही हूँ ये चीज़, और इसीलिए मैं आपको बहुत ही श्योरिटी के साथ ये बता रही हूँ कि अगर आप इसको होम रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों का झड़ने की समस्या 80% तक कम हो जाएगी। सेकंड, रीग्रोथ वाला जो प्रॉब्लम होता है कि दोबारा से बाल नहीं आ रहे हैं, नहीं उग रहे हैं, वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, क्योंकि एक होम रेमेडी है एंड कोई भी ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, कुछ भी इसमें कोई एक्सपेंसिव ऐसे कोई चीज नहीं लगने वाली जो आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको अपने घर पर ही मिल जाएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि कैसे इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी और कैसे इसे प्रिपेयर करना है। सो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना एक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में अवेलेबल होती है, बहुत ईजी हमको मिल जाती है, क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है किचन में, तो इसलिए आपको अपने किचन में ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और सेकंड, यहाँ पर मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो क्योंकि मैं ये ऑयल जो बना रही हूँ, जो मैं होम रेमेडी बना रही हूँ, वो वन टाइम के लिए ही बना रही हूँ, इसलिए मैं क्वांटिटी भी बहुत कम ले रही हूँ। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आपको जब इसको यूज़ करना होता है तब भी आप इसको बना के रख सकते हैं, जैसे भी आपको यूज़फुल लगे। सो यहाँ पर मैं मेथी दाने का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको पता होगा मेथी दाना एक ऐसी चीज़ है जो बालों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है हेयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, जिसमें मेथी दाने का इस्तेमाल ना हो, चाहे वो टोनर हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो सीरम हो या फिर कंडीशनर हो, हर चीज़ में मेथी दाने का इस्तेमाल होता है। जो आदिवासी हेयर ऑयल है उसका भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेथी दाना ही है, क्योंकि मेथी दाना में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारे बालों को बहुत अच्छा बनाने में मदद करते हैं, हेयर फॉल को कम करते हैं और हमारे जो डैंड्रफ है उसको भी कम करते हैं। बालों का रीग्रोथ का जो प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि बाल झड़ रहे हैं लेकिन दोबारा से बाल उग नहीं रहे हैं या नए बाल नहीं आ रहे हैं, तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है वो भी मेथी दाना से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती है। तो मेथी दाना अपने आप में ही एक बहुत ही पावरफुल इन्ग्रीडियंट्स है बालों के लिए। तो आप इस होम रेमेडी को ज़रूर बना के इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको बालों से रिलेटेड समस्या हो रही होगी, वैसे तो ये मानसून सीजन में हर किसी को ही हो रही होगी हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत इजी भी बन जाता है एंड इसमें कोई ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं करना है। तो आप इस तरीके से अगर इसको हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करते हैं तो आप देखना कि 1 मंथ के अंदर आपके बालों का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपको खुद के बालों से बहुत अच्छे से प्यार भी होने लग जाएगा, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत मजबूत भी बनाता है, हेयर फॉल को रोकता है, रीग्रोथ की प्रॉब्लम जो होती है उसे भी सॉल्व करता है। तो अपने आप में इसके बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेथी दाना से हम लोग कैसे हेयर मास्क बना सकते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं, जो आपके बालों को बहुत बहुत अच्छा कंडीशनर भी देता है और साथ में मजबूत भी बनाता है। तो वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगी। सो अभी ये ऑयल जो है बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, क्योंकि मेथी दाना एक बार अच्छे से जो है ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाए तो यही हमारा इसका लास्ट प्रोसेस होगा। तो अगर आप कोई और ऑयल इसमें इस्तेमाल करना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये है कि जब आप ये ऑयल अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें दूसरा ऑयल ऐड कर सकते हो। इसमें जो दाने हैं उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे इसे अच्छे से ठंडा करना है, तो तब तक मैं ये दाने भी इसी में रहने दूंगी एंड जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे अपने सर पे अप्लाई करना है एंड फिर आप नेक्स्ट डे जो है अपना सर धो सकते हो, या फिर 3 से 4 घंटे के बाद जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं उससे आप अपना सर वॉश कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे अगर आप कंटिन्यू इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करते हो सर वॉश करने से पहले, तो आपको खुद ही इसका रिजल्ट समझ आ जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल ऑयल है और मैं बहुत लंबे टाइम से इसका यूज कर रही हूँ।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना इजी तरीके से हमने ये तेल प्रिपेयर करा है और घर के ही सारी चीजों से करा है, कहीं बाहर नहीं जाना है। बहुत इजी टू प्रोसेस है और बहुत इजीली आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं एंड घर पर बना सकते हो। अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको अगर आपको कल यानी कि नेक्स्ट डे अगर आपको हेयर वॉश करना है तो आप एक दिन पहले इसे अपने सर पर लगाएं। तेल को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप सर पर लगा सकते हैं। और अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप इसको लगाने से पहले इसमें विटामिन ई वाला जो कैप्सूल होता है दो, वो भी मिला सकते हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और भी इससे रिलेटेड हेयर से रिलेटेड और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल मिला लीजिए। क्योंकि मेरे हेयर्स पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। एंड इसको मैं बहुत लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छा इफेक्टिव है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके एंड बहुत ईजी भी है। मैं बना के रख लेती हूँ एंड बहुत लंबे टाइम तक चलता है ये, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा। तो अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप फिर इसको कांच के बर्तन में ही स्टोर करें, आप प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर ना करें। फिर ये बहुत लंबा भी चलेगा एंड जो इसमें मेथी के दाने होते हैं वो इसी के अंदर ही रहने दीजिएगा, उन्हें आप छानिएगा मत, तो और भी अच्छा जो है ये तेल बनकर तैयार होगा। एंड वैसे मैं आपको अपने हेयर्स दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरे हेयर्स गाइस। एंड अभी तो मुझे हेयर वॉश नहीं करना है, बट पहले मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं थे ऐसे। एंड ये सब यूज करने के बाद ही मैं अपने बालों को बचा पाई हूँ। हेयर फॉल का समस्या तो हर किसी के साथ होता ही है, लेकिन मैं इसको मॉनसून सीजन में तो बहुत ही ज्यादा यूज करती हूँ ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो एंड बहुत इजीली जो है मैं अपने बालों को बचा सकूँ। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। एंड लगाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही हल्के हाथों से आप जो है इसको इस तरीके से मसाज करिएगा एंड बालों के हर एक पार्ट्स पे लगाएंगे, तो आपके बाल भी बहुत अच्छे एंड बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। एंड सिर्फ हेल्थी एंड स्ट्रांग नहीं, बल्कि आपके बाल, आपको खुद भी लगेगा आपके बाल बहुत ज्यादा, तो आपके बाल बहुत ज्यादा शाइनी भी होंगे, बहुत ज्यादा शाइन जो है आपके बाल देंगे, स्ट्रांग होंगे। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, देखिए। और अगर आप भी अपने बालों को इस तरीके से पाना चाहते हैं तो सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपसे पहले अप्लाई करके देखिएगा, एंड अगर आपको भी रिजल्ट्स अच्छे आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी लिखिएगा, मैं उन पे भी काम करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।